अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट में आपका आधार कार्ड जो है वो एक्टिव है या इनएक्टिव, तब इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आप कैसे जो है घर बैठे अपनी मोबाइल की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है प्रेजेंट में एक्टिव है या इनएक्टिव। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर एक बार फिर से जो है अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कैसे में आपका वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में एम आधार नाम की एप्लीकेशन को जो इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन को आपको जो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। ऑफिशियल एप्लीकेशन है आधार की, अपने मोबाइल में आपको जो है एम आधार की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसका इंस्टॉल लिंक जो है आपको वीडियो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा और यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई आधार, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने मोबाइल से कि आपका आधार जो है प्रेजेंट में एक्टिव है या इनएक्टिव, आपका आधार वर्तमान में चालू है या बंद, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है वेरीफाई आधार पर। उसके बाद आपको जो एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होगा। वो प्रोसेस आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको चेक करना है कि आपका आधार जो है प्रेजेंट में चालू है या बंद, इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आपको उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना है। एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आपको प्रेस कर लेना। तो चलिए वेरीफाई जो आधार का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं एंटर आधार नंबर, तो यहाँ पर एक आधार नंबर आपको डालना होगा। यहाँ पर आपको वो आधार नंबर डालना जिसका आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आधार एक्टिव है इनएक्टिव। इसके बाद आप नीचे दे सकते हैं एंटर सिक्योरिटी कैप्चा, तो यहाँ पर आपको ऊपर दे सकते हैं चार डिजिट का जो है चार नंबर का एक सिक्योरिटी कैप्चा दे रखा होगा, तो उसको देखकर यहाँ पर आपको जो है सिंपली नीचे फिल कर लेना है। इस पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का ग्रीन कलर में, तो उसको आपको क्लिक करना है। लास्ट में सभी डिटेल आपको जो है फिल कर लेना है, इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आधार जो है एक्टिव है इनएक्टिव वो बता दिया जाएगा। आपके आधार का स्टेटस यहाँ पर निकल के आ चुका होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आधार मैंने डाला था वो एक्टिव है और ऊपर जो है राइट का मार्क जो है लग के आ रहा है। नीचे आप देख सकते हैं दिस आधार नंबर इज एक्टिव, मतलब ये आधार जो है एक्टिव है। अगर आधार आपका इनएक्टिव है तो वहाँ पर जो है इनएक्टिव लिखा होगा। अगर आपका आधार जो है चालू है मतलब एक्टिव है तो यहाँ पर दे सकते हैं एक्टिव लिखा होगा। और नीचे आपको जो है कुछ अदर डिटेल मिल जाएंगे आपका आधार की, जैसे आपका जो एज बैंड कौन सा है, मतलब आप जो है कौन से एज ग्रुप में आते हैं, आपका जेंडर क्या है, स्टेट कौन सी आपकी। अगर आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है तो मोबाइल के जो लास्ट के तीन डिजिट हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके आधार से कोई नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर NULL आपको लिखा हुआ मिलेगा, मतलब आपके आधार से किसी प्रकार का नंबर लिंक नहीं है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई अनदर आधार, मतलब आप जो किसी दूसरे आधार को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। इसको आपने वेरीफाई कर लिया, इसके बाद आप जो किसी दूसरे आधार को वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और गो बैक टू डैशबोर्ड, मतलब आप जो है एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तब दोस्तों इस तरह से आप जो है घर बैठे अपनी मोबाइल की हेल्प से जो है चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंट में आपका आधार कार्ड जो है एक्टिव है इनएक्टिव। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमें अभी कभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आपको बेल का आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। और सब्सक्राइब करना दोस्तों एकदम फ्री है।